तो बेटा इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल बेटा इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि 101% मैं 100 भी नहीं कह रहा 101% बेटा यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही 101% बेटा यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता ही बन राइट तो बेटा जैसे कि आपका प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था तो बेसिकली बेटा देर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर वन इज वेरिएबल फैक्टर अनदर इज फिक्स वेरिएबल फैक्टर्स वर्सेस अगर बेटा मैं वेरिएबल फैक्टर्स की बात करता हूँ अब इसको ऐसे समझो जो मैंने डिस्कस भी किया था बेटा वेरिएबल फैक्टर को आप ऐसे समझो दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच वैरी वैरी का मतलब बेटा चेंज विद द लेवल ऑफ एक बेटा हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे बेटा आउटपुट में चेंजेस आते हैं जैसे आपको ज़्यादा आउटपुट चाहिए बेटा तो जो वेरिएबल फैक्टर्स होंगे उनको भी बेटा आपको ज़्यादा करना मैंने आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दिया था बेटा रो परफेक्ट एग्जांपल बेटा इसमें आप क्या ले सकते हो रो राइट एट द सेम टाइम बेटा हमने फिक्स फैक्टर में क्या स्टडी किया था दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच रिमेन सेम on every level of output चाहे बेटा आपको ज़्यादा output चाहिए चाहे आपको कम output चाहिए ये बेटा fix है भाई आप क्या फोटोस्टेट की मशीन है आपको 100 प्रिंट आउट निकालने 50 निकालने बेटा एक ही मशीन से निकालोगे ना लेकिन जो आपकी A4 शीट है जो रॉ मटेरियल है इस केस में बेटा आपका वो आपको क्या करना होगा बढ़ाना होगा राइट तो बेटा ये हमने डिस्कस किया था उसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया था लॉन्ग रन वर्सेस शॉर्ट देन बेटा वी डिस्कस अबाउट द लॉन्ग रन वर्सेस शॉर्ट राइट लॉन्ग रन का मतलब क्या बताया था बेटा प्लानिंग पीरियड मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था लाइक मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ पढ़ाते पढ़ाते मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ाऊँगा कनाडा में जाके पढ़ाऊँगा बेटा प्लानिंग पीरियड को हम लॉन्ग रन क्या बेटा इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि प्लानिंग पीरियड लॉन्ग रन में क्या होता है सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स ही होते हैं ओनली वेरिएबल फैक्टर्स आर राइट फिर आता है बेटा आपका शॉर्ट रन शॉर्ट रन में क्या होता है बेटा प्रोडक्शन शॉर्ट रन में क्या होता है बेटा आपका प्रोडक्शन
राइट, इसमें क्या होता है बेटा, बोथ वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स आर, शॉर्ट रन में बेटा वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं और आपके फिक्स फैक्टर भी होते हैं। यहाँ तक हमने बेटा सारा डिस्कस कर दिया था। इसके बाद बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं आपकी अपार्ट फ्रॉम दीज टर्म्स, तो सबसे पहले आता है बेटा आपका टिप। टिपी का मतलब क्या होता है बेटा, टिपी मीन्स टोटल प्रोडक्ट और बेटा हम इसको टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टीपी। TPP means बेटा total physical product, total physical product। TPP का मतलब क्या होता है बेटा, what does it mean? It means sum of output produced by labor employed। लेबर की जगह बेटा बेटर वर्ड रहेगा, आप यहाँ पे यूज करो वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल। जो भी बेटा टोटल आउटपुट प्रोड्यूस होती है वेरिएबल फैक्टर्स के थ्रू उसको बेटा हम कहते हैं टोटल। भाई जहाँ आपका ये वर्ड आ गया बेटा टोटल, यहाँ पर बेटा आपको ये वर्ड दिखाई दे गया टोटल, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आपका, राइट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट टर्म आती है आपकी, दैट इज एमपी। एमपी का मतलब होता है बेटा मार्जिनल, एमपी का मतलब होता है बेटा मार्जिनल। और बेटा एमपी को हम क्या कह सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, राइट। एमपी इज ऑल्सो एम पी पी मीन्स मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, एमपीपी को बेटा हम ये भी कहते हैं। अब एमपीपी क्या होता है, सबसे पहले तो देखो आप मार्जिनल, यहाँ पे बेटा आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बेटा आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है बेटा, तो बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमपी। MP means beta change in total production due to employment of an additional unit of variable, एक additional बेटा variable factor को increase करने से जो भी बेटा आपकी output में change आता है उसको बेटा हम एमपी कहते हैं।
एडिशनल बेटा इंक्रीज करने से, वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करने से जो भी आपका आउटपुट में चेंज आता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल फैक्टर। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देके इस चीज़ को समझाऊं बेटा, आप ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल बेटा आपने 3 लेबर्स को लगाया और जो आपके टोटल आउटपुट आई है बेटा वो आई है 15। एट द सेम टाइम बेटा आपने 4 लेबर को, एक लेबर को बढ़ा दिया, एक लेबर को बढ़ाने से बेटा जो आपकी आउटपुट है 50 से कितनी हो गई, 70। ये जो मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ये मैं बात कर रहा हूँ टोटल आउटपुट 50 से कितनी हो गई बेटा, 70, राइट। तो बेटा ये जो चेंज आया आपका, ये जो आपको चेंज दिखाई दे रहे हैं, चेंज का मतलब एक लेबर को इंक्रीज करने से ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल, एक लेबर को बेटा इंक्रीज करने से, यहाँ पे आपने एक लेबर को इंक्रीज किया, उसको इंक्रीज करने से बेटा जो आउटपुट में चेंज आया दैट इज एन, चेंज का मतलब बेटा डेल्टा, एंड इट इज इक्वल टू 20 यूनिट। ये बेटा जो 20 यूनिट था आपका, दिस इज मार्जिनल, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, मार्जिनल, राइट। जहाँ बेटा डाउट होगा साथ में क्लैरिफाई कर लेना, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं बेटा, मार्जिनल। और बेटा इसी कंसेप्ट को मैं आपको एक शेड्यूल से समझाता हूँ, बेटा इसी कंसेप्ट को एक शेड्यूल से समझते हैं। राइट, तो बेटा फर्स्ट कॉलम में से हमने ले लिया, फर्स्ट कॉलम में बेटा हमने ले लिया लेबर को, सेकंड कॉलम में बेटा हमने ले लिया टीपी को, थर्ड कॉलम में बेटा हमने ले लिया, राइट। नाउ बेटा जब आपकी लेबर जीरो है, यानी कि आपके जो आउटपुट है बेटा वो जीरो है, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी, जीरो। आपने बेटा एक लेबर को बढ़ाया, आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई 10। आपने एक लेबर को और बढ़ाया बेटा, प्रोडक्शन बढ़ गई 20। आपने बेटा एक लेबर को और बढ़ाया, प्रोडक्शन हो गई आपकी 30। आपने बेटा एक लेबर को और बढ़ाया और जो आपकी प्रोडक्शन है बेटा ये हो गई आपकी 50। आपने बेटा एक प्रोडक्शन को और बढ़ाया और जो आपकी प्रोडक्शन है बेटा ये हो गई बेटा आपकी, राइट। अब बेटा ध्यान से देखो, जब आपकी लेबर जीरो थी, जैसे आपने एक लेबर को इंक्रीज किया, तो बेटा कितनी प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हुई है, 10। बेटा एमपी हो गया 10। फिर आपने बेटा जब एक लेबर को इंक्रीज किया तो कितनी आपकी बेटा प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, 25 माइनस 10 इक्वल टू 15। फिर बेटा जब आपने एक लेबर को इंक्रीज किया तो बेटा कितनी प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हुई है, 38 माइनस 25 इक्वल टू बेटा 13। फिर बेटा आपने एक लेबर को इंक्रीज किया तो कितनी प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हुई है, 50 माइनस 38 इज इक्वल टू 12। फिर बेटा आपने एक लेबर को इंक्रीज किया तो कितनी प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हुई है, 60 माइनस 50 इक्वल टू बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेटा, कैन आई से दैट बेटा कि एमपी का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेटा वी कैन से दैट जो आपका एमपी का फॉर्मूला है वो क्या होगा बेटा, वी कैन से दैट एमपी एन इज इक्वल टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस, और यहाँ पे बेटा जो एन है आपका इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, राइट। मान लो बेटा जब आपने
वन लेबर को एम्प्लॉय किया, जब आपने बेटा वन लेबर को एम्प्लॉय किया है तब आपकी एमपी कितनी थी आपको ये फाइंड कर, तो एन की जगह बेटा वन पुट कर दोगे बेटा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, टीपी वन, टीपी वन माइनस वन कितना हो जाएगा टीपी जीरो। तो बेटा जब वन लेबर थी तब आपकी टोटल आउट प्रोडक्शन कितनी थी 10, और जब जीरो लेबर थी बेटा तब टोटल प्रोडक्शन कितनी थी 0। तो जो आपका एम पी बेटा जब एक लेबर आपने एम्प्लॉय किया है तो बेटा आपका एम पी कितना है एट वन, आपका एम पी कितना है 10। इसी तरह से बेटा जब आपने दो लेबर को अडॉप्ट किया, जब आपने दो लेबर को बेटा एम्प्लॉय किया है, जब ऑर्गेनाइजेशन ने बेटा हमने एक लेबर को इंक्रीज कर दिया, उसके इंक्रीज करने से कितना मार्जिन, कितना आउटपुट हमारा इंक्रीज हुआ, तो क्या हो जाएगा बेटा टी पी टू, टी पी टू माइनस टी पी वन, टी पी टू कितना बेटा आपका 25 माइनस बेटा 10 एंड इट इज इक्वल टू 50, यू कैन सी दैट। इसी तरह से बेटा लास्ट में जैसे आकर आपको जब हमने 5 लेबर को बेटा, जब 5 लेबर बेटा ऑर्गेनाइजेशन पे फैक्ट्री में वर्क कर रही है तो वो कितना आउटपुट आएगा, तो ये क्या होगा बेटा टी पी फाइव माइनस टी पी प्रोडक्शन एट वन 5 लेबर्स इम्प्लॉय दैट इज 60, एट 4 कितना बेटा 50, 60 माइनस 50 कितना हो गया बेटा आपका 10, राइट बेटा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एम पी, कि जैसे जैसे बेटा आप एक लेबर को इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे बेटा आप एक लेबर को इंक्रीज करते हो तो उस लेबर के इंक्रीज होने से बेटा, उस लेबर के इंक्रीज होने से कितना आपका आउटपुट इंक्रीज होता है, दैट इज बेटा मार्जिनल प्रोडक्ट। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल, एक लेबर के इंक्रीज करने से। अब इसी चीज को बेटा मैं एक और टेबल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ बेटा हेयर सही हो गया आपका लेबर, ये हो गया बेटा आपका टोटल प्रोडक्शन, और यहाँ आ गया बेटा आपका राइट। नाउ बेटा अगेन जीरो जीरो वन टेन नाइन 90 15 150 20 बेटा, जब आपको एम पी निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करोगे, जीरो में जीरो 10 90 माइनस 10 80 150 माइनस 90 60 200 माइनस 150 इज इक्वल टू बेटा 200 माइनस 150 बेटा ये कितना हो गया आपका राइट। अब बेटा अब ये समझो कि जो डेफिनेशन थी उसमें मैंने आपको क्या डेफिनेशन में क्या एक्सप्लेन किया गया था आपको, कि एक एडिशनल ये देखो चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल, एक लेबर को इंक्रीज करने से बेटा जो चेंज आता है वो हमारा एम पी होता है। और यहाँ पे बेटा एक लेबर नहीं इंक्रीज हुई, आपने सीधा 8 लेबर इंक्रीज कर दिया, इसी तरह से बेटा यहाँ पर आपने 6 लेबर इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे बेटा 5 लेबर आपने इंक्रीज कर दिया, इट मीन बेटा ये जो आपने आंसर फाइंड किया है ये आंसर आपका क्या है ये गलत, ये आंसर बेटा आपका क्या है ये गलत, ठीक है बेटा। यहाँ गलत क्यों है, क्योंकि बेटा एक लेबर थोड़ी ना इंक्रीज हो रहा है, जो आपने फॉर्मूला लगाया वो कब लगता है, जो मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था बेटा वो कब लगता है आपका, वो तब लगता है जब एक लेबर इंक्रीज हो रही है, जैसे यहाँ पर था, अगर एक लेबर इंक्रीज हो रहा है तो एक लेबर इंक्रीज होने से जितनी आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है बेटा वो एम पी है, तब उसके लिए तो ये केस हो गया। पर यहाँ पर देखो ना क्या एक लेबर इंक्रीज हो रही है, ध्यान से देखो आप सीधा यहाँ पे 8 लेबर बढ़ा दिया आपने,
यहाँ पे बेटा सीधा आपने 6 लेबर बढ़ा दी, यहाँ पर आपकी बेटा सीधा 5 लेबर इंक्रीज हुई है। तो बेटा ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में हमें क्या करता होता है, जो आपका फॉर्मूला होता है एमपी फाइंड करने का, वो हो जाता है आपका चेंज इन टोटल प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो बेटा ये जब जब लेबर बेटा 1 यूनिट से इंक्रीज नहीं होती है, तो ऐसे केस में बेटा जो फॉर्मूला हो जाता है आपका, वो जाता है चेंज इन टोटल प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब इसका मतलब क्या है बेटा, आपको यहाँ से कंप्यूट करके दिखाता हूँ। देखो चेंज इन टोटल प्रोडक्शन बेटा यहाँ से कितना चेंज हुआ है, अगर आप देखो 10 से सीधा 90 हो गया, तो बेटा कितना चेंज हुआ है ना 80। चेंज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और बेटा यहाँ से लेबर में कितना चेंज हुआ है 1, तो आपका एमपी बेटा कितना आएगा 10। सिमिलर वे बेटा यहाँ पर कितना प्रोडक्शन में चेंज हुआ है, 150 माइनस 90, यही हुआ ना बेटा। यहाँ पर अगर आप प्रोडक्शन देखोगे तो यहाँ पर कितना चेंज हुआ है 150 माइनस 90, और लेबर में कितना चेंज हुआ है बेटा 15 माइनस 9। 150 माइनस 90 कितना हो गया बेटा 60, और ये हो गया आपका 6, ये भी बेटा कितना आ गया आपका 10। ना सिमिलर वे बेटा अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर कितना चेंज हुआ है बेटा, यहाँ पर कितना चेंज हुआ बेटा टोटल प्रोडक्शन में, ये आपका 150 था और ये 200 है बेटा, तो ये हो गया बेटा 50। और यहाँ पर कितना चेंज हुआ है बेटा, यहाँ पर चेंज हुआ है आपका 5, यहाँ पर चेंज हुआ है बेटा आपका। बेटा जब आप कैंसिल करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 10। तो बेटा आपने यहाँ पे दो कंसेप्ट सीखे, एक कंसेप्ट वो जब बेटा एडिशनल यूनिट लेबर की इंक्रीज होती है तो एमपी कैसे निकाला जाता है। सब तो सिंपल है बेटा कि जिसका भी आपने एमपी निकालना है, जैसे 1 आउटपुट पे निकालना है, तो 1 आउटपुट के टीपी से बेटा उसके प्रीवियस टीपी को माइनस। दूसरा कंसेप्ट बेटा आपने यहाँ पर ये सीखा कि अगर जो लेबर है बेटा वो 1 बाय 1 इंक्रीज नहीं हो रही है, यानी कि कंटिन्यूसली, जैसे 1 के बाद 2 नहीं है, सीधा 9 आ गया, 15 आ गया, कंटिन्यूसली बेटा अगर एडिशनल यूनिट वाला केस नहीं है तो बेटा एमपी कैसे फाइंड करोगे। तब बेटा फाइंड करोगे इस फॉर्मूले से, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बेटा जब मैं आपको असाइनमेंट में करवाऊंगा तो आपको अपने आप ही अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये कंसेप्ट भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से करना। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा आपने क्या सीखा कि टीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है बेटा। अब जो नेक्स्ट टर्म बेटा जो आपको सीखनी है वो आता है बेटा आपका एपी। नेक्स्ट टर्म बेटा जो आपको सीखनी है वो क्या होता है बेटा आपका एपी। एपी क्या होता है बेटा, एवरेज प्रोडक्शन। एपी का मतलब क्या होता है बेटा, एवरेज प्रोडक्शन, जिसको बेटा हम एवरेज प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको बेटा हम एवरेज प्रोडक्ट भी कहते हैं, राइट। और कैन से दैट ए पी पी दैट इज एवरेज फिजिकल एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, राइट। अब होता क्या है बेटा एपी आपका, एपी होता है बेटा आपका आउटपुट प्रोड्यूस बाय पर यूनिट ऑफ वेरिएबल पर यूनिट ऑफ वेरिएबल। तो बेटा मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आप इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा बेटा आपको कि 10 लेबर जो है वो मिलके टोटल प्रोडक्शन जो दे रहे हैं वो है 80। ये क्या है बेटा यहाँ पर आपका यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर,
ये तो वेरिएबल फैक्टर, और ये क्या है बेटा आपका टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। तो बेटा एपी क्या होगा आपका, ऑब्वियसली बहुत सिंपल है बेटा, टोटल प्रोडक्शन कितनी है बेटा आपका 80, और टोटल लेबर कितनी है 10, दोनों को बेटा डिवाइड कर दो। यानी कि एपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल प्रोडक्शन अपॉन यूनिट ऑफ वेरिएबल। तो आपका एपी कितना आ जाएगा बेटा 8, राइट। यहाँ पे बेटा आपको समझ में आ गया, इट मीन अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिफाई कर देता हूँ, बेटा यहाँ तक आपने क्या सीखा कि जो एवरेज प्रोडक्ट होता है बेटा, इट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब बेटा यहाँ तक आपने टीपी, एमपी और बेटा एपी को सीख, राइट। अब इसी चीज को बेटा मैं आपको स्केड्यूल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा ये हमने स्केड्यूल बना दिया, राइट। फर्स्ट कॉलम में ले लेते हैं यूनिट ऑफ फर्स्ट कॉलम में आ गया बेटा आपका यूनिट ऑफ वेरिएबल, राइट। फिर आ गया बेटा आपका एमपी, फिर आ गया बेटा आपका टीपी, फिर आ गया बेटा आपका, राइट। से 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एमपी ले लेते हैं बेटा से 5, 6, 7, 6, 5। ध्यान से बेटा न्यूमेरिकल इसी तरह से आता है, कुछ भी गिवन होगा आपको। अब आपको एमपी से बेटा क्या निकालना है आपको, सबसे पहले तो बेटा मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि बेटा जो आपका सम ऑफ एमपी होता है, जो बेटा आपका सम ऑफ एमपी होता है, इट इज इक्वल टू टी। अगर आपको एमपी से बेटा टीपी निकालना है तो कैसे निकालोगे, जो बेटा आपका सम ऑफ एमपी होता है बेटा, इट इज इक्वल टू टीपी। किसके इक्वल होता है बेटा आपका, मीन्स फर्स्ट वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी 5, द नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी सम ऑफ एमपी, तो बेटा 5 + 6 = 11, नेक्स्ट वैल्यू बेटा 11 + 7 = 18, नेक्स्ट वैल्यू बेटा 18 + 6 = 24, नेक्स्ट वैल्यू बेटा 24 + 5 = 29, नेक्स्ट वैल्यू बेटा 29 + 4 = 33। यहाँ तक क्लियर है बच्चों आपको? हाँ जी भैया। अब बेटा आपको क्या निकालना है, एपी आपको क्या फाइंड करना है बेटा, आपको निकालना है एपी, राइट। तो बेटा एपी कैसे निकालोगे आप, मैंने क्या बताया था टोटल पी अपॉन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन कितनी है बेटा आपकी 5, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितना है बेटा 1, तो बेटा एपी की फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 5, राइट। यहाँ पे बेटा आपका टोटल टीपी कितना आपका 11, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितना है बेटा 2, तो इट विल बी इक्वल टू बेटा 5.5। यहाँ पे बेटा आपका टोटल टीपी कितना है बेटा 18, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितना है बेटा 3, तो इट विल बी इक्वल टू 6। यहाँ पे बेटा आपका टोटल टीपी कितना है 24, फोर इट विल बी इक्वल टू बेटा 6। यहाँ पर बेटा 29 डिवाइडेड बाय 5, 29 को बेटा 5 से डिवाइड करोगे, यू विल हैव 5.8, राइट। देन बेटा 33 डिवाइडेड बाय 6 एंड इट विल बी इक्वल टू बेटा 5.5।
जहाँ तक कोई डाउट है बेटा किसी बच्चे को तो आप पूछो। एमपी क्या होता है बेटा समझ? एमपी के बेटा दो कंसेप्ट होते हैं, मैं बता चुका हूँ। एक एडिशन यूनिट इंक्रीज करता है तो बेटा टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस वन। दूसरा बेटा जब एडिशन यूनिट ना होके जैसे एक लेबर इंक्रीज हुआ फिर आठ इंक्रीज हो गए सात दस बारह कुछ भी है तो बेटा एमपी कैसे निकालते हैं? चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। फिर बेटा इस तरह से हम एमपी को निकालते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक ये जो भी चीज़ें मैंने करवाई है ये आपको इसलिए करवाई है, आपको याद होगा मैंने हेडिंग क्या दी थी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो बेटा अब हमें समझना है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है। बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट लॉ है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बेटा बहुत ज़्यादा यूज होता है। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं बेटा वो इसी लॉ को फॉलो करते हैं। और मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी से बेटा इसको क्लैरिफाई करवाऊंगा जिससे कि बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगी बात लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन राइट। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है बेटा? सबसे पहले बेटा वेरिएबल, ये लॉ तभी बेटा एप्लीकेबल होता है। पहले तो बेटा वेरिएबल का वेरिएबल मीन्स वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है बेटा। मतलब जो अभी तक हमने बेटा इतनी मेहनत की है वो इस लॉ के लिए ही की है, जो भी टर्म्स मैंने आपको समझाई है ताकि आपको ये लॉ, क्योंकि वो सारी की सारी टर्म्स बेटा उस लॉ का पार्ट। और ये क्वेश्चन बेटा आपका आना ही आना, पूरा सिक्स मार्क्स में आएगा। फिर बेटा बात करते हैं प्रोडक्शन, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कि वेरिएबल फैक्टर की वजह से आपके आउटपुट में जो चेंज होता है मीन्स प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट, प्रोपोर्शनेट चेंज इन राइट। नाउ बेटा अनदर थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट ये लॉ बेटा तभी आपका एप्लीकेबल होगा जब बेटा ये सिर्फ शॉर्ट रन पर ही एप्लीकेबल हो, क्योंकि शॉर्ट रन में ही आपको पता है वेरिएबल और फिक्स फैक्टर हो। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ ए शॉर्ट मीन्स व्हेन सम फैक्टर of production are fixed and some are ready and some are ready। कुछ बेटा fixed हैं और कुछ आपके क्या होते हैं variable। राइट, इट मीन्स प्रोड्यूसर कैन चेंज ओनली, प्रोड्यूसर कैन चेंज ओनली वन वेरिएबल फैक्टर That is, आपको आउटपुट को बेटा रेज करने के लिए या कम करने के लिए आप सिर्फ लेबर को ही चेंज कर सकते हो। टू चेंज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, चेंज द लेवल ऑफ राइट। बेटा यहां तक आपने क्या सीखा? आपको ये समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, दैट इज वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि यहाँ पे बेटा हम लेबर की बात करते हैं, प्रोपोर्शन का मतलब बेटा इस वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस की वजह से बेटा आउटपुट में क्या चेंज है, ये लॉ हमें बताते हैं। एंड सेकेंड थिंग विच यू अंडरस्टैंड दैट इज दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ ए शॉर्ट रन।
शॉर्ट रन का मतलब बेटा जहाँ पे एक वेरिएबल फैक्टर और एक फिक्स फैक्टर दोनों होंगे तभी ये एप्लीकेबल है, क्योंकि लॉन्ग रन में तो बेटा आपको पता सब कुछ ही क्या होता है आपका, लॉन्ग रन में सारे के सारे जो फैक्टर होते हैं बेटा वो आपके क्या होते हैं, सारे के सारे फैक्टर आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, राइट। तो बेटा आपको मैं वो स्टोरी बता रहा हूँ जिससे लोग बिल्कुल आपके माइंड में छप जाएगा, यानी कि बिल्कुल आपके टिप्स पर आ जाएगा। स्टोरी ये है बेटा कि मान लो बेटा मैंने एक शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट, मैंने बेटा एक बिजनेस स्टार्ट किया शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था बेटा, तो मैंने अपने बिजनेस अपनी फैक्ट्री में बेटा शर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेटा मैंने अपनी फैक्ट्री में 3 मशीनों को लगाया, राइट। पहली मशीन जो है बेटा वह कटिंग मशीन, दूसरी मशीन है बेटा स्टिचिंग मशीन, और थर्ड मशीन है बेटा प्रेसिंग मशीन। यानी कि एक मशीन है जो बेटा कटिंग का काम करती है, दूसरी मशीन है बेटा जो स्टिचिंग का काम करती है, और थर्ड मशीन है बेटा जो प्रेसिंग का काम करती है, राइट। नाउ बेटा हॉस्पिटल के भी नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड द बिजनेस बेटा, तो पहले मैंने इनिशियली बेटा मैंने एक ही लेबर को एम्प्लॉय, अब ये लेबर बेटा डेली आता है, ये क्या करता है, पहले ये आता है कटिंग करता है, फिर बेटा स्टिचिंग करता है, फिर बेटा उसको प्रेस करता है, तो ऐसे करके बेटा ये एक दिन में 10 शर्ट्स को प्रोड्यूस करता है, ये एक दिन में कितनी शर्ट बेटा मैन्युफैक्चर कर पाता है, 10। मेरी शर्ट की बेटा डिमांड बढ़ने लगी तो मैंने एक ही जगह बेटा 2 लेबर को रखा, क्यों, क्योंकि मेरे माइंड में ये था जैसे एक लेबर है बेटा तो 10 शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 लेबर होंगी तो बेटा कितनी शर्ट प्रोड्यूस हो जाएगी, 20 शर्ट, 2 लेबर तो बेटा कितनी शर्ट प्रोड्यूस हो जाएगी, 20 शर्ट,